वन डायरेक्शन को लेके एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। वन डायरेक्शन के फॉर्मर मेंबर लियम पाइन अर्जेंटीना के बुनोस एरिस होटल में रुके हुए थे और वो उस होटल से गिर जाते हैं, जिसके चलते उनका निधन हो गया, यानी कि वो मर चुके हैं। लेकिन उनके निधन से पहले बहुत सी शॉकिंग न्यूज़ पता चली है। ऐसी चीज़ें सामने आई कि उनके मरने से थोड़े देर पहले वह स्नैपचैट पर स्टोरीज डाल रहे थे। वहीं विटनेस ने यह भी रिवील किया कि लियम पाइन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे, उन्होंने दारू काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, जिसके चलते उन्होंने उनका लैपटॉप भी तोड़ा था, उसके कारण वहाँ पर काफ़ी हल्ला हुक भी हुआ था। वहीं जब उनका रूम खोला गया निधन के बाद, तो पता चला कि वहाँ पर एक बर्निंग एल्यूमिनियम फॉइल पड़ी है, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर। वहीं उन्होंने होटल रूम का टीवी भी तोड़ दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो ड्रंक थे। वहीं लोग बाकी सवाल उठा रहे क्या इन्होंने ड्रग्स भी ले रखी थी। वहीं ये भी रिपोर्ट्स निकल के आए कि उनको पूल में एंट्री डिनाई कर दी गई थी, कि आप पूल में नहीं जा सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। तो क्या उन्होंने बालकनी से पूल में जाने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बालकनी से गिर गए और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया उनके साथ और वो मर गए। वहीं ये भी रिपोर्ट्स निकल के आए कि इस टाइप की हरकतों की वजह से लियम पाइन ने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से भी बात करी थी, क्योंकि उन्होंने टीवी वगैरह सब तोड़ दिया था होटल का, तो इस टाइप से स्टाफ मेंबर ने ही कॉल लगा के दिया था। वहीं इनका निधन जब हुआ, जब इनकी एज थी 31 ईयर्स। हाल फिलहाल वन डायरेक्शन के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका ऐसे डायरेक्टली कोई भी पोस्ट नहीं आया, लेकिन जो हैरी स्टाइल की मदर है उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी पोस्ट करी है। वहीं चार्ली पुथ ने लियम पाइन के साथ जो फोटो था उसको रीशेयर किया है। वहीं पेरिस हिल्टन ने भी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, सो अपसेटिंग टू हियर द न्यूज़ ऑफ लियम पाइन पासिंग, सेंडिंग लव एंड कॉन्डोलेंसेज टू हिज फैमिली एंड लव वंस, रिप माई फ्रेंड। वहीं ये भी रिपोर्ट निकल के आई कि लियम पाइन अपनी इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड कैट कैसिडी के साथ अर्जेंटीना गए थे घूमने के लिए, लेकिन उनकी मौत से कुछ समय पहले वो US से आ गई थी, उनको कुछ काम था, तो इस टाइप की भी रिपोर्ट्स निकल के आई है। वहीं जो होटल के रूम्स की पिक्चर्स आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। वहीं वो ड्रंक भी थे और शायद से उन्होंने ड्रग्स भी ले रखी थी, तो इस टाइप की रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं। अब सवाल ये खड़ा कर रहा है उनकी मौत पे कि क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था, या फिर वो अपसेट थे, उन्होंने सुसाइड किया, या फिर वो पूल में जंप करने की कोशिश कर रहे थे और गलती से ये एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।